बहुत अच्छा फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट का। इसमें ना ही किसी को हार्म हुआ है, ना ही हिंदू पक्ष को, ना ही मुसलमान पक्ष को, सबको अच्छी तरह, जो भी है, सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा डिसीजन दिया। पहले से शांति थी और भी अच्छी तरह शांति और भाईचारा रहेगा इन दोनों के बीच में। डिसीजन लिया मतलब अच्छा ही होगा, डिसीजन लिया मतलब सहमत हूँ, खुश है। एक्चुअली सही फैसला आया है, जो एक्चुअली था, होना चाहता था वही आया है। ऐसा नहीं मुस्लिम हिंदू की बात नहीं है, बट व्हाट वाज करेक्ट हैज कम बिकॉज दे हैव स्टडीड फुल्ली। ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक पक्ष के हिसाब से फैसला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल में स्टडी किया और जो सही था वो किया, और सही था वो प्रस्तुत भी किया कि भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे से मिला, उसके ऊपर बांधा गया था, वो सब क्लियर कट मालूम पड़ा। और वहाँ से पूजा बहुत सालों से, इवन ब्रिटिश के पहले से पूजा हो रही थी। तो ये चीज़ें जब ये शास्त्रों में भी लिखा गया था, ऐसा नहीं है कि हजारों सालों पहले शास्त्रों में लिखा गया, झूठ थोड़ी रहता है, अभी का शास्त्र थोड़ी बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बहुत दिन से जो मसला चालू था उसमें जो जातीय तेढ़ निर्माण होते थे उसमें सब धार्मिक भावना दुखती थी, बिना भी वो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो अच्छा फैसला है, उसका स्वागत है। हाँ, फैसला तो अच्छा है ना, उसमें से मसला तो हल हो गया ना, मसला तो हल हो गया, पब्लिक को भी उसमें रिलीफ हो गई, नहीं तो सब टेंशन में थे, दोनों को भी वो मंजूर है, इसलिए तो सब लोग शांत है ना। फैसला तो सही हुआ, हम लोग हिंदू राष्ट्र है, उसके फेवर में फैसला है, मैं खुश हूँ, उसको जगह दिया जाएगा, तो अच्छा हुआ ना, फैसला तो अच्छा हुआ। आर्कियोलॉजिकल इंडिया सर्वे का सब कुछ हो गया, अब ये इसमें क्या। तो मेरा हिसाब से तो अभी क्या है कि सही फैसला है, क्या तो अभी वातावरण कैसा है, ये फैसले से सब ठंडा वातावरण है, और कुछ ये फैसला आता था तो आदमी में थोड़ा चिलम चिल्ली हो जाता था, लेकिन अच्छा है, सही है। हो आप हमारे हिसाब से, सबका हिसाब से सही है। इसके ऊपर तो सभी लोग सहमत हैं, हम लोग ही नहीं, सब लोग पूरे मतलब भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी लोग सहमत हैं, क्योंकि किसी को नाराज नहीं किया, मतलब दोनों को वो करके ये किया है, बराबर। हाँ, खुश हैं। मेरा रिएक्शन है जो आया अपने को मानने है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हाँ, खोखा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो सबको सहमति दर्ज करनी चाहिए, सबको सहमत रहना चाहिए, और उन्होंने फैसला लिया है तो सबके हित में ही लिया होगा, और ये एक ही आदमी का फैसला नहीं है, यानी कि 500 जजों ने मिल के फैसला दिया है, तो हर बात पे उन्होंने गौर किया होगा और फैसला दिया होगा, और उन्होंने पुरानी चीज़ों को भी अहम करके उन्होंने जो फाइंड आउट किया है उससे उनका फैसला लिया गया है, तो मुझे लगता है कि सबके हित में ही होगा, तो सबको मानना चाहिए। मैं उनके यानी कि उनसे सहमत हूँ। प्रभु श्री राम का जो जन्मस्थल था उसके ऊपर से जो फाइट चल रहा था, तो बहुत से लोगों का ये कहना था कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पे प्रभु श्री राम का जन्मस्थल है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये काफ़ी अच्छा निर्णय दिया है और हम हिंदू सब मिलके उसका स्वागत करते हैं। मैं कहता हूँ आपके माध्यम से कि प्रभु श्री राम की ये जीत है और हमारे जैसे हिंदुओं की ये जीत है, 100% शांति आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जबकि इतना टाइम लगाया है कि इस सारे एविडेंसेस वगैरह चेक करने के लिए, तो ज़रूर उन्होंने भी बहुत सारी मतलब स्टडी करके ही ये रिज़ल्ट दिया है, और हर एक हिंदू और हर एक मुस्लिम ये चाह रहा था कि शांति से हम इस मकाम तक पहुँचे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है तो 100% हमें वो एक्सेप्ट करना ही है, और जो दिया है उसका हम स्वागत करते हैं।
असेल फैसला तो बरोबरच असेल ना, सुप्रीम कोर्टने केला म्हणजे बरोबरच असेल, सहमत तर आहेच. हा खुशी आहे जनता के लिए, जो भी सुप्रीम कोर्टने जो भी बोला है उसमें वो तो जनता के लिए ठीक ही रहेगा, हम लोग भी उसमें खुश है. नथिंग, कोई रिएक्शन नहीं है, जो हुआ वो सब खुश है, मतलब सब आपस में भाई भाई हैं और बैर ही खत्म करना है, ये फैसला ठीक है. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज गिवन अ जजमेंट. आई हैव नॉट सीन द फैक्ट्स एंड द डिटेल्स, बट आई वेलकम द जजमेंट. इट्स अ मोर बैलेंस्ड जजमेंट.